हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम सैलरी के बाद अगर पीएफ डिडक्ट होता है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, आज इसी के बारे में सीखेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ से ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लिया है मैंने, और तमाम प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, कैसे यहाँ तक आते हैं, उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपको यहाँ से स्टार्ट बटन पे जाना, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 11, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट बटन आ रहा है, अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे होंगे तो शायद यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जाना है और यहाँ पे आपको एक्सेस सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेस का 2021 है मेरे पास, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ और इसी पे हमें अब काम करना है, ठीक है। यहाँ से जाना है ब्लैंक डेटाबेस पे, और जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे जाते हैं हम, तो हमारे सामने एक नया सिनेरियो ऐसा आता है। आप चाहे तो डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं, और ये डेटाबेस के फाइल के एक्सटेंशन है, क्योंकि ये एक्सेस यूज कर रहा हूँ तो .accd भी होता है इसका। और यहाँ से क्रिएट पे कर देना है क्लिक, जैसे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पे व्यू पे आना है। व्यू पे आने के बाद एम्प्लॉय डिटेल के नाम से इसे सेव करना है। तो ये हो गया एम्प्लॉय डिटेल DET, यहाँ पे इस तरीके से AIL, तो एम्प्लॉय डिटेल के नाम से इसे मैंने सेव कर दिया। और यहाँ पर आएगा प्राइमरी, ये देखिए ये प्राइमरी की है जो कि हमेशा यूनिक होती है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी देना है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तो मैच करेगी नहीं एक दूसरे से। अगर किसी फॉर्म में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं तो वहां पे एम्प्लॉय आईडी मैच करने का तो सवाल ही नहीं होता, तो इसीलिए इसे प्राइमरी की बना दिया। अब ये देखिए की सी जो बनी हुई है ये प्राइमरी की है, ठीक है। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, ये मैच नहीं करती। और इसको मैंने बना दिया शॉर्ट टेक्स्ट। तो अगर आप 2007 यूज कर रहे होंगे तो शॉर्ट टेक्स्ट की जगह यहाँ पर आपको केवल टेक्स्ट ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो ये कर देते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉय, तो यहाँ अब एम्प्लॉय का नेम आएगा, ठीक है। तो इसे भी हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे। इसके बाद ग्रॉस सैलरी, कितनी सैलरी इनकी बननी है वो चीज यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये हो गया ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो अंडरस्कोर लगा के लिख रहा हूँ, ज्यादा बेटर रहता है अंडरस्कोर लगा के लिखना, तो यहाँ पे इसीलिए अंडरस्कोर लगा के लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी होगी इनकी करेंसी डेटा टाइप, कौन सी डेटा टाइप, करेंसी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, अगर आप बात करें SQL सर्वर की या MySQL की, तो वहां पर आपको ऐसा नहीं मिलता, करेंसी नहीं मिलती वहां पे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पीएफ डिडक्ट होगा तो कितना परसेंट इनका पीएफ कटेगा। तो आमतौर पे पीएफ 15% कटता है, हम 15% के हिसाब से कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे नंबर रखना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या रखना है, नंबर रखना है। और यहाँ पर इसे बना देना है डबल, तो यहाँ से डी प्रेस कीजिएगा तो ये डबल अपने आप आ जाएगा, नहीं आता है तो यहाँ से जाकर के आप डबल चूज कर दीजिएगा, ठीक है। और फॉर्मेट यहाँ पे रखना है परसेंटेज, क्या रखना है परसेंटेज, तो यहाँ पी प्रेस करते ही परसेंटेज आ जाता है, नहीं अगर आता है तो यहाँ से जाकर के आप इसे परसेंटेज बना लीजिएगा, हो गया। तो माइनस करेंगे, ठीक है, ये जो ग्रॉस सैलरी है इसी में से पीएफ को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे पीएफ अमाउंट, यहाँ पे लिखते हैं पीएफ अंडरस्कोर AMOUNT, तो ये पीएफ अमाउंट हो गया। और यहाँ पर आकर के पीएफ अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेटेड डेटा टाइप में जाना होगा। अगर आप 2007 यूज कर रहे होंगे तो उसमें आपको एक क्वेरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहां पर आकर के क्या करना है, सीधा सीधा स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए और ग्रॉस सैलरी जो है यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आएगी आपकी, तो ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी लिख दीजिए यहाँ पे इस तरीके से। और ग्रॉस सैलरी में से अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसका, पीएफ का। तो यहाँ पे पीएफ लिख दीजिए और ये पीएफ लिखने के बाद इसको बंद कर दीजिए, और बंद करने के बाद ओके कर दीजिए, और ओके करने के बाद यहाँ से अब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर अब कैलकुलेट हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट होगा देखिए, अभी देखिए इसको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर तो एम्प्लॉय आईडी आएगा, तो जो भी आपके एम्प्लॉय हैं उनकी एम्प्लॉय आईडी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे E01 कर देते हैं, ये मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। और एम्प्लॉय का नाम हो गया राम, और इनकी सैलरी जो है 25,000 है, 25,000 ग्रॉस सैलरी कितनी है 25,000, और उसका 15% कट गया पीएफ, तो पीएफ अमाउंट आना चाहिए। तो यहाँ देखिए पीएफ अमाउंट भी कैलकुलेट होने लगा, ठीक है। तो अब जब 25,000 ग्रॉस सैलरी है और पीएफ अमाउंट आ चुका है पीएफ कटने के बाद, तो टोटल पेएबल जो बनेगा वो पीएफ अमाउंट कटने के बाद बनेगा, यानी ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ अमाउंट इज इक्वल टू टोटल पेएबल हो जाएगा। तो अभी हमको टोटल पेएबल यहां से कैलकुलेट करना होगा। आई बात समझ में, देखिए सीधा सीधा फंडा है। यहां पर आपको एम्प्लॉय आईडी दिख रही है, नेम ऑफ एम्प्लॉय दिख रहा है, ग्रॉस सैलरी दिख रही है। तो ग्रॉस सैलरी पर पीएफ 15% कटा हुआ है, ठीक है। तो 15% जब कट गया तो पेएबल अमाउंट तुम आपका जो होगा वो कितना होगा, 15% के बाद ही आएगा। तो ये जो अमाउंट है इसमें से माइनस होगा, तो माइनस करने के लिए वापिस से आ जाते हैं डिजाइन व्यू पे,
और यहां पर टोटल लिखते हैं TOTAL टोटल अंडरस्कोर पेएबल अंडरस्कोर अमाउंट, ठीक है, टोटल पेएबल अमाउंट, और यहां पर टोटल पेएबल अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेटेड डेटा टाइप यहां पे मिल जाता है, आपको पता ही है। अदरवाइज अगर आप 2007 यूज करेंगे तो उसमें तो आपको एक क्वेरी बनानी पड़ेगी अलग से, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन यहां पे आराम से निकल जाएगा। तो देखिए ये हो गया, और यहां से आपको क्या करना होगा, ये देखिए यहां पे सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद आपको क्या करना है, अभी हमारे पास ये तो पता है कि कितना पीएफ अमाउंट कटा हुआ है, तो हमें ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर देना है पीएफ अमाउंट को, ठीक है। तो यहां पे सीधा सीधा स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और लिखिए ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी इस तरीके से, और इसमें से माइनस कर दीजिए क्या पीएफ अमाउंट, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में पीएफ अमाउंट, तो ये पीएफ अमाउंट इस तरीके से लिख दिया है, देख लीजिए, और यहां से अब ओके कर दीजिएगा। तो ये काम हो गया है, यहां से जाइए और यहां पर जब क्लिक कीजिएगा तो एक मिनट यार, OSS ग्रॉस सैलरी आर छूट गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आर लगा लेते हैं, अब हो जाएगा। ये हो गया, ये ओके किया आपने, और यहां से तो अब यहां से सीधा सीधा क्लिक कर दीजिए और यहां से ओके कर दीजिए, तो ये आ चुका है। तो देख सकते हैं टोटल पेबल अमाउंट भी निकल चुका है, ठीक है। यहां से देखिए ये टोटल पेबल अमाउंट आपको दिख ही रहा होगा। अब अगर आप यहां से जाते हो E02 करते हो और यहां पे दूसरे मान लीजिए एम्प्लॉय का नाम श्याम है और यहां पे इनकी सैलरी है 27,000, ठीक है, यहां पे इनकी सैलरी कितनी बनी है 27,000, तो इनका अगर 15% पीएफ कटता है तो कितना पीएफ कटा ये पता चल गया, और उनके बाद ग्रॉस सैलरी क्या बनी वो भी यहां पे नजर आएगी आपकी, ठीक है। फिर मान लीजिए E03 किया और फिर यहां पे मनोज, अगले एम्प्लॉय का नाम है मनोज, तो यहां पे लिख दिया, और यहां पे मान लीजिए इनकी सैलरी है 22,000, ठीक है, तो यहां पे 22,000 डाला, और फिर यहां पे 15% अगर पीएफ कटेगा तो फिर उसके बाद क्या सैलरी बनेगी आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरह का स्ट्रक्चर है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। अब इसके लिए आप फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, चाहे तो क्रिएट पे जाइए, क्रिएट पे जाने के बाद फिर यहां से सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्म विजिट पे जाना है, विजिट पे जाके आप चाहे तो फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि रिपोर्ट भी जनरेट करें तो रिपोर्ट भी बड़े आसानी के साथ जनरेट करी जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम फॉर्म बना लेते हैं सबको लेकर के, तो ये सबको ले लिया हमने, और यहां से जाकर के इसको मॉडिफाई कर सकते हैं आप चाहे तो, यहां से जाकर मॉडिफाई कर लीजिए और ये आपका इस तरीके से तैयार हो जाता है। अब इसमें आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि इसको छोटा बड़ा करना है, तो ये देखिए ये एक सैलरी स्लिप जैसा दिखना चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा आपको, तो अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से अरेंज भी हो जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस काफ़ी ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, और एक बार अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ करना शुरू किया तो एक्सेल तो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, इसकी तो गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, यहाँ से जाइए, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो इनकी बनी है उसको यहाँ पे लगा सकते हैं चाहे तो, ठीक है, इसको छोटा कर लीजिए, यहाँ से बॉक्सेस जो ये बने हुए हैं, अब इनका पीएफ जो कटा हुआ है वो यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सैलरी स्लिप जैसा एक डिज़ाइन कर पाएंगे, और ये एक्सेस में होगा, एक्सेल में नहीं, ठीक है, एक्सेल में तो आपने किया ही होगा लेकिन शायद एक्सेस में ना किया हो इस तरीके से, तो इसलिए इस पर बता रहा हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि एक्सेस ज़्यादा यूजफुल है इन कंपैरिजन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मुझे लगता है कि एक्सेस ज़्यादा आपको चलाना चाहिए, क्योंकि शायद एक्सेस आपने ठीक से सीखा भी नहीं होगा पहले, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। तो इन सबको आप सेलेक्ट कर लीजिए पूरा ये कंट्रोल ले करके, और सबसे पहले तो इसको हटा देता हूँ मैं, ये ऊपर जो आ रहा है इसको हटा देंगे, ये देखिए ये जो आ रहा है ना इसको हटाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा दीजिए और ये पूरे डेटा को सेलेक्ट करके और यहाँ से बोल्ड वगैरह कर लीजिएगा ताकि ये दिखने में बेहतर दिखे, ये आपको बेहतर दिखना चाहिए, लुक बेहतर आने के लिए यहाँ पे चेंजेस आप चाहे तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जा करके इसका कलर जो है ब्लैक कर दीजिए सबसे पहला काम, और इसे कंट्रोल वी करके बोल्ड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और बैकग्राउंड का कलर की बात करें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो ये चेंज कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो कॉम्बो भी लगा सकते हो, कॉम्बो लगाना तो आसान है, ठीक है, तो कॉम्बो भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं कॉम्बो नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है,
और इसके लिए अब क्या करना है आपको, अब यहां से थोड़ा सा एक काम और करिएगा, यहां से जाकर के और ये जो फॉर्म है इसका पॉपअप आप यस कर लीजिएगा, ये जो पॉपअप दिया गया है यहां से इसको यस करिए, और यस करने के बाद यहां से व्यू पे क्लिक कीजिएगा, तो ये आपकी सैलरी स्लिप तैयार हो गई। देख सकते हैं यहां पर जैसे ही यहां से सेकंड पे जाते हैं तो सेकंड वाले की सैलरी स्लिप, थर्ड वाले पे जाते हैं तो थर्ड वाले की सैलरी स्लिप जो भी है ये यहां पे आती चली जाएगी, ठीक है ना। यहां पे देखिए नाम में गलती हो गई, ए छूट गया, तो ये देखिए क्या हम इसको रिपीट कर सकते हैं जो एम्प्लॉई आईडी आ रहा है, तो E03 करते हैं एक बार, 3 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और यहां पे राकेश करते हैं, राकेश अगले एम्प्लॉई का नाम, और यहां पे सैलरी इनकी है 30,000, तो यहां 30,000 कर दिया, और 15% अगर पीएफ कटता है तो इसके बाद देख सकते हैं किस किस तरीके से आ रहा है। और यहां पर ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप यहां डुप्लीकेट वैल्यू रख ही नहीं सकते, तो आप यहां पर डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते, जबकि एक्सेल में आपको ये आजादी है कि आप डुप्लीकेट एंट्री कर सकते हो, लेकिन एक्सेस में ये आजादी आपको नहीं मिलती है क्योंकि एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहां से रिपोर्ट डिजाइन करने का तरीका, यहां से क्रिएट पे जाना, और क्रिएट पे जाने के पहले एक क्वेरी हम बनाना चाहते हैं ताकि हमारा रिपोर्ट जो हम फॉर्म में रहे जिस चीज को सेलेक्ट रखे वही चीज की रिपोर्ट डिजाइन होके आए, तो इसके लिए हमें एक क्वेरी बनानी होगी। तो यहां से क्वेरी डिजाइन पे और फिर ये टेबल को इधर लेके आएंगे, और यहां से अब फिर हम क्वेरी बना के दिखाते हैं कि ये क्वेरी कैसे बनाएंगे। इन सारे डिटेल्स को हमें लेना है, तो यहां से सबको सेलेक्ट करके एक ही बार लेके आ जाते हैं, और यहां पर क्राइटेरिया के अंदर हमें बात करनी है, यहां फॉर्म्स के अंदर हम बात करेंगे, एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, एम्प्लॉय डिटेल हमारे टेबल का नाम है, जो फॉर्म हमने बनाया उसका नाम है, और यहां पर हम बात करेंगे एम्प्लॉय आईडी के बेस पर, तो यहां पे एम्प्लॉय आईडी ही यूनिक फील्ड है इसलिए मैं इसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। और यहां से इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे एम्प्लॉय क्यू के नाम से इसे सेव कर लेता हूं, एम्प्लॉय क्यू, तो ये एम्प्लॉय क्यू के नाम से सेव कर लिया, और सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, यहां से जाकर के ये सब क्लोज कर दीजिएगा, और क्लोज करने के बाद ये देखिए यहां से ये क्लोज कर दिया। अब जबकि आप रिपोर्ट डिजाइन करोगे तो यहां से रिपोर्ट डिजाइन करते हैं, तो ये रिपोर्ट विजेट पे चलते हैं, विजेट से ही रिपोर्ट डिजाइन करेंगे, तो जो हमने क्वेरी बनाई है एम्प्लॉय क्यू उसी के बेस पे हमें रिपोर्ट डिजाइन करनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेरी को ले लेते हैं और ये सारे फील्ड्स लेकर के आगे बढ़ेंगे, और यहां से नेक्स्ट, और यहां पे चाहे तो आप अपने हिसाब से कॉलमर टेबुलर जैसा चाहे वैसा सेट कर सकते हैं, तो ये हो गया। और यहां पे ये एम्प्लॉय रिपोर्ट है तो एम्प्लॉय आर कर देते हैं, आर से रिपोर्ट हो जाएगा, और इसको हम मॉडिफाई भी करेंगे, तो यहां से जाके मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करने के बाद यहां पे थोड़ा चीजों को सेट कर लीजिएगा हल्का फुल्का, ये देखिए ये छोटा बड़ा ये बॉक्सेस जो बने हुए हैं छोटे बड़े इनको आप चाहे तो सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसको सेट वेट कर लीजिएगा, और बाकी सारी चीजें तो आपको दिख ही रही हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। यहां से इसको भी सेट कर लीजिएगा, इधर उधर कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, काम नहीं है, और यहां से इसको ऊपर की साइड स्क्रॉल कर देते हैं, और इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके और इसे पहले बोल्ड करेंगे हम, और इसे हम ब्लैक ही कलर में लेके आएंगे, और बैकग्राउंड चेंज रखेंगे, ये जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड हम फॉर्म जो रिपोर्ट का है वो चेंज रखेंगे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और फिर इस पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ दोगे वही एम्प्लॉय का यहाँ पे आएगा। अब देखिए जैसे फॉर्म में क्या है E01 एम्प्लॉय की डिटेल दिख रही है, ठीक है, तो आप रिपोर्ट पे आओगे तो आपको वही दिखेगा, E01 ही दिखेगा। देखिए E01 का जो नेम है, ग्रॉस सैलरी है, पीएफ है, और टोटल पेएबल है, ये वही दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे चेंज करते हो आप, जैसे देखिए यहाँ पे 2 कर दिया, तो एक बार आपको रिफ्रेश करना, अब ये रिफ्रेश करने की भी झंझट से मुक्ति मिल सकती है, थोड़ा सा विजुअल बेसिक का कोड लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ से रिफ्रेश किया तो देखिए ये E02 आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो सेलेक्ट रहेगा वही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इस तरह की कोई और भी चीज आप चाहते हो जानना तो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।